हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू। सो आई हैव ब्रॉट अ लेटेस्ट अपडेट फॉर यू। इट्स अ न्यूज बाय सीबीएसई अबाउट द डेट्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एंड 12th। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद इट। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या न्यूज आई है, इसमें आपको मैं सर्कुलर भी दिखाऊंगी, 8th का, 9th का एंड फ्यू आवर्स बिफोर अभी क्या इन्फॉर्मेशन आई है आपके एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट सर्कुलर आपका जो इससे रिलेटेड था, दैट वाज ऑन 8th ऑफ दिसंबर, जिसमें था कि प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने आपको डेट्स बताई थी। द एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट असेसमेंट फॉर सेशन 22-23 आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2023। सो पहले वाली न्यूज़ थी, ये ओल्ड न्यूज़ हो गई है कि आपके फरवरी में प्रैक्टिकल्स होंगे, लेकिन लेटेस्ट सर्कुलर यही आया कि आपका 1st जनवरी से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्कूल्स में डेट्स भी डिसाइड हो चुकी हैं जनवरी के लिए कि उनके इस डेट को उनके प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट सर्कुलर जो आया था आपका, वो सीबीएसई का, वो था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी एंड 15th फरवरी रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ द क्लासेस 10th एंड 12th। 8th के अंदर 8 दिसंबर को जो सर्कुलर था उसमें उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बताई थी 1st जनवरी, अब उन्होंने आपको थ्योरी एग्जाम से बता दें। जनरल कॉमन पेपर्स होते हैं, स्टार्टिंग होती है जनरल पेपर से, वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 15th ऑफ फरवरी फॉर बोथ द क्लासेस, क्लास 10th एंड 12th। नेक्स्ट इज जो उन्होंने बोला है आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, वो है 40% क्वेश्चंस 10th क्लास में और 30% क्वेश्चंस इन क्लास 12th टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। In pursuance of NEP 2020, CBSE has been introducing competency-based questions in the classes 10th and 12th board examinations to reform the pattern of examinations. These questions comprise multiple formats such as objective type, constructive response type, assertion and reasoning, and case-based format. Minister of State of Education Annapurna Devi said in response to a written question in Lok Sabha, mein unhone jawab diya hai Ministry of Education mein ki kis type ke questions aane wale hain, kitne unki percentage rahegi for class 10th and 12th. Next in cheez news mein bhi bahut detail mein aa gayi hai ki kitne kitne percent rahenge. Now students, agar aap IP pad rahe hain ya computer science pad rahe hain to assertion and reasoning se related maine ek video bana rakhi hai jiska link yahan hai, main bhi link aapka niche description mein bhi dal dungi students. And start preparing for examination. और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके भी बहुत सारे पेपर्स मैंने बना रखे हैं स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है, उसके एम सी क्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप, प्लीज गो थ्रू द वीडियोज। ये आपके सामने चैनल का नेम है ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू, आई होप यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपने नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ठीक है। ये ओल्ड है जिसमें कि 1.97 नाउ अबव 2000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, एंड स्टूडेंट्स आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज, सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड स्टूडेंट्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट स्टूडेंट्स।